प्यारे बच्चों कोविड 19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे इसीलिए हम लेकर आए हैं निजी सात कार्यक्रम इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाहन 10 से 12 तथा अपराहन 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे अब पढ़ाई नहीं रुकेगी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड जे सी -E की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है आज के सत्र में हम कक्षा छ के भूगोल विषय के पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों आप सभी का जे सी द्वारा संचालित कार्यक्रम डिजी में स्वागत है आज हम लोग क्लास सिक्स के चैप्टर सिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पर्वत पाठार मैदान में हम लोग विश्व के पर्वतों के बारे में जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप लैंड फॉर्म्स लैंड का अर्थ हुआ भूमि और फॉर्म्स का अर्थ हुआ आकार आकृति तो लैंड फॉर्म्स यानी आकृति जो बाहर से हमें दिखाई देती है हम लोगों ने पिछले पाठ में चैप्टर फाइव में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में यह देखे थे कि पृथ्वी पर पृथ्वी के सतह पर विकसित होने वाली स्थलाकृतियों को तीन वर्ग में बांटा गया है भुआकृति विज्ञान जियोमर्फोलॉजी में इसे तीन वर्ग में बांटा गया है पहले वर्ग को प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म कहते हैं जिसमें महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है ओशिन और कॉन्टिनेंट शामिल है दूसरे वर्ग की स्थलाकृति सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में पर्वत पाठार और मैदान को शामिल करते हैं तो आज हम लोग द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में पर्वत माउंटेन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वैसे भी पृथ्वी के सतह पर कुल क्षेत्रफल का 71% 71% परसेंट इकहत्तर प्रतिशत भाग पर जलमंडल मंडल हाइड्रोस्फेयर है हाइड्रो मतलब जल होता है और एस्फेयर का अर्थ है घेरा यानी इकहत्तर प्रतिशत भाग पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है और वैसे भी जल से संबंधित अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है 29 परसेंट उनतीस प्रतिशत भाग पर मात्र स्थलमंडल लिथोस्फेयर है लिथो का अर्थ है मिट्टी और स्फेयर का अर्थ है घेरा यानी पृथ्वी के सतह का उनतीस प्रतिशत भाग पर लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल है तो ये जल मंडल और स्थल मंडल चाहे कहीं भी पृथ्वी का सतह हो समान रूप से बराबर नहीं है बल्कि इसके सतह में अनियमितताएँ असमानताएँ पाई जाती है यह सतह अनइवन है अर्थात उबड़ खाबड़ है पृथ्वी के सतह पर जो हम देखते हैं वह उबड़ खाबड़ पर्वत पाठार मैदान के रूप में दिखाई देता है लेकिन समुद्र के अंदर महासागर के अंदर जल के अंदर भी सतह समान नहीं है वहाँ भी पर्वत है, मैदान है, हैं मैदान हैं ऊंची ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं यानी वह भी अषमतल है जिसे हम लोग अगले किसी वीडियो में या किसी लेक्चर में देखेंगे आज हम लोग पर्वत के बारे में जानते हैं तो ये जो स्थल रूप अनियमित रूप से विकसित हुआ है कहीं पर्वत पाठार मैदान है यानी धरातल समतल नहीं है तो इन स्थल रूपों के विकास पर कैसे ये विकसित हो गया तो इस पर दो प्रकार की शक्तियों का प्रभाव पड़ा है एक को कहते हैं आंतरिक शक्ति इंटरनल फोर्स और दूसरे को कहते हैं बाह्य शक्ति एक्सटर्नल फोर्स बाहरी शक्ति एक्सटर्नल फोर्स तो ये आंतरिक शक्ति क्या है तो हमारी पृथ्वी अंदर से पिघली हुई है हमारी पृथ्वी में तीन प्रकार के लेयर हैं अंदर से जिसे हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे सेवेंथ में पढ़ना है वहाँ जानेंगे यहाँ हम लोग मोटे स्तर पर देखते हैं कि पृथ्वी का ये बाहरी परत ठोस है जिसे भू पर पट्टी कहते हैं और इसी बाहरी परत से हमारा स्थल मंडल बना हुआ है बीच वाला भाग तरल है जिसे मेंटल कहते हैं यहाँ चट्टाने पिघली अवस्था में है और यह केंद्रीय भाग भी ठोस अवस्था में है जिसे कोर कहते हैं क्रोड़ कहते हैं तो यह बीच वाला भाग जो तरल अवस्था में है जिसे मेंटल कहते हैं यहाँ चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है और पिघलने का कारण है अत्यधिक दाब एवं ताप जिसके कारण यह पिघल गया है तो इस पिघली हुई चट्टाने जो मैग्मा के रूप में है पृथ्वी के सतह पर दरार या छिद्र द्वारा बाहर निकलता है मैग्मा जिससे हम लोग आगे देखेंगे ज्वालामुखी का निर्माण भी होता है तो जब एक अंदर का मैग्मा बाहरी ठोस भूपटल पर अंदर से दबाव डालती है तब बाहरी ठोस भूपटल में अनियमितताएँ उत्पन्न होती है वह टूट फूट कर विभिन्न रूप को ग्रहण करती है जिसका उदाहरण हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी अर्थक्विक और बोलकैनों के रूप में भी देखते हैं ये सब आंतरिक शक्ति का परिणाम है आंतरिक बल का परिणाम है तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण हमारे भूपटल में अर्थकृष्ट में जो बाहरी ठोस भाग है इसमें विरूपन उत्पन्न होता है तोड़ने फोड़ने और मुड़ने की क्रिया उत्पन्न होती है जिससे हमारे धरातल में अनियमितताएँ उत्पन्न होती है आंतरिक शक्ति द्वारा धरातल के ऊपर उत्पन्न अनियमितता यानी जो उबड़ खावड़ होता है पर्वत का भी रूप ग्रहण करता है उस पर बाह्य शक्ति कार्य करता है बाह्य शक्ति मुख्य रूप से सूर्य के उष्मा के कारण उत्पन्न होना शुरू होता है उसके कारण ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है और जिसके कारण बाह्य शक्ति विभिन्न रूपों में कार्य करने लगती है बाह्य शक्ति एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है उसमें लंबे समय तक संशोधन का कार्य होता है मॉडिफिकेशन होता है और जिससे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जैसे अगर मान लिया जाए आंतरिक शक्ति के कारण पृथ्वी की चट्टानों में मोड़ उत्पन्न होता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो उससे पर्वत का निर्माण होता है माउंटेन बनता है और उस पर्वत पर बाह्य शक्ति जैसे जल नदी के रूप में अगर लगातार प्रवाहित होता है तो उस पर्वतीय क्षेत्र को वह काटते छांटते रहता है जिसे इरोजन कहते हैं आगे हम लोग अभी इसको देखेंगे तो इरोजन के कारण अपर्दन के कारण लगातार कटने छटने के कारण उसमें संशोधन होता है और कई प्रकार की असलाकृति का विकास होता है जिसका एक उदाहरण पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग जलप्रपात वाटरफॉल के रूप में देखते हैं तो इस तरह से आंतरिक शक्ति द्वारा भूपटल की चट्टानों में विरूपण किया जाता है यानी कि उसमें परिवर्तन लाया जाता है कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है और बाह्य शक्ति द्वारा उस पर संशोधन किया जाता है अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है आंतरिक शक्ति द्वारा पर्वत का निर्माण होता है जो द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति है और जब पर्वत पर अन्य प्रकार की स्थलाकृतियाँ बाह्य शक्ति द्वारा बनाई जाती है तब वह तृतीय श्रेणी की स्थलाकृति थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहलाता है तो यहाँ हम लोग बाह्य शक्ति और उससे निर्मित स्थलाकृतियों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे बाह्य शक्तियाँ तीन रूपों में मुख्य रूप से कार्य करती है जिसे अपर्दन इरोजन परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और निक्षेपण डिपोजिशन कहते हैं अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि अपर्दन क्या है निक्षेपण क्या है और परिवहन क्या है वायु शक्ति में अपर्दन इरोजन एक महत्वपूर्ण कारक है तो यह अपर्दन इरोजन है क्या पृथ्वी के सतह की चट्टानों को काटने छाटने की क्रिया जिसके कारण वह महीन कण में बदल जाता है उसे ही अपर्दन इरोजन कहते हैं अपर्दन की क्रिया के बाद जब वे महीन चट्टानी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और जब ये महीन कण ऊंचे स्थान से कट छट कर किसे नीच स्थान पर निम्न क्षेत्र में जाकर जमा किया जाता है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण डिपोजिशन कहलाता है यह कटा छटा भाग मलवा सेडिमेंट्स कहलाता है अवसाद कहलाता है और उसी का निक्षेप निचले भागों में किया जाता है तो इस प्रकार से अपर्दन काट छाँट की क्रिया है कटे छटे पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर ले जाना परिवहन है और जहाँ जमा किया जाता है इन कटे छटे अवसाद को मलवा को वह निक्षेपण कहलाता है तो ये अपर्दन परिवहन और निक्षेपण किसके द्वारा होता है तो ये कार्य करने वाली शक्तियाँ दूत या एजेंट कहलाते हैं और ये मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं ये काट छाँट की क्रिया करने वाला संपूर्ण भू पटल पर सतह पर पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक क्षेत्र में जल है नदी है बहता हुआ जल जो नदी के रूप में प्रवाहित होता है अपर्दन का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है नदी के बाद दूसरा प्रमुख कारक पवन बिंड है भूगोल में वायु और पवन में थोड़ा तकनीकी अंतर है जिसे समझना चाहिए भूगोल में जब हम पढ़ते हैं तो वायु जो आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव नहीं डालती है उसे कहते हैं और जब वायु गतिशील होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने लगती है तब उसे पवन विंड कहते हैं और ये विंड पवन मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी होता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में डिजर्ट लैंड में या अपर्दन परिवहन और निक्षेपण का कार्य कर कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है उसी तरह से समुद्री तरंग समुद्र के तट पर तटीय क्षेत्रों में काट छाँट करती है और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है जिसमें समुद्री बीच यानी सी बी भी, सी बीच समुद्री तट का नाम सुने होंगे जहाँ लोग घूमने जाते हैं भारत में भी मैरिना बीच जिस पर चेन्नई शहर स्थित है काफ़ी लोकप्रिय है उसी तरह से भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर भी भूमि के अंदर कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है लेकिन यह मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में कार्य करता है जहाँ चूना पत्थर मिट्टी में अधिक होता है जिसके कारण जल से प्रतिक्रिया कर चूना गलता है और कई प्रकार की भूमिगत भूमिगतलाकृति का निर्माण करता है हिमानी हिम नदी यानी ग्लेशियर यह या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फ के रूप में जल बदल जाता है और ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण जल बर्फ के रूप में जम जाता है वहाँ कार्य करता है और कई प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करता है तो इस तरह से बाह्य शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर कार्य करती है और अनेक प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण अपर्दन परिवहन और निक्षेपण कार्य के द्वारा करती है तो आइए हम लोग अभी पर्वत के बारे में देखते हैं जो विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्वत क्या है माउंटेन क्या है तो भूपटल पर ऊंचा भूभाग को पर्वत कहते हैं किसी भी स्थान की ऊंचाई को हम लोग समुद्र तल से मापते हैं ये पहले जान चुके हैं पृथ्वी के सतह से सामान्यतः 900 मीटर औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक ऊंचे भाग को पर्वत कहा जाता है इसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष ऊपर वाला भाग नुकीला होता है तो भूपटल पर पृथ्वी के सतह से औसत रूप से 900 मीटर से अधिक ऊंचा भूभाग, जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला होता है पर्वत कहलाता है ये पर्वत उत्पत्ति के दृष्टिकोण से बनने के दृष्टिकोण से चार प्रकार के होते हैं मोड़दार पर्वत फोल्ड माउंटेन इसे बलित पर्वत भी कहते हैं भरमसोत्त पर्वत ब्लॉक माउंटेन या इसे खंड पर्वत भी कहते हैं ब्लॉक यानी खंड ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी क्रिया के एक समय इसकी उत्पत्ति होती है अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन ये चार प्रकार के पर्वत होते हैं अब आइए इनको एक एक कर देखते हैं तो मोड़दार पर्वत नाम से ही स्पष्ट है कि ये मोड़ पड़ने के कारण उत्पन्न होता है ये भूपटल की चट्टाने जिस पर अगर दोनों ओर से दबाव पड़े दबाव शक्ति इधर से भी काम कर रहा है और इधर से भी दबाव शक्ति कंप्रेशनल फोर्स संकुचन शक्ति अगर काम कर रहा है तब इसके कारण ये चट्टाने बीच से मुड़ जाती है और मुड़ कर इस प्रकार का रूप ग्रहण कर लेती है तो यह बीच का मुड़ा हुआ भाग ऊपर उठा हुआ भाग ही पर्वत यानी यह मोड़ मुड़दार पर्वत कहलाता है मुड़दार पर्वत दोनों ओर से दबाव शक्ति संकुचन शक्ति के कारण इस पर्वत की उत्पत्ति होती है चट्टाने मुड़ जाती है और ऊपर मोड़ जो बनता है इसी को मुड़दार पर्वत फोल्ड माउंटेन कहते हैं यह मोड़ कई प्रकार का दबाव शक्ति पड़ने के कारण हो सकता है जैसे अगर दबाव शक्ति एक तरफ से ज़्यादा पड़ा तो उधर से ज़्यादा उठ गया तो मोड़ इस प्रकार का हो सकता है इधर से खड़ा मोड़ हो सकता है तो यह दबाव शक्ति पर निर्भर करता है कि चट्टान में मोड़ किस प्रकार का बन रहा है तो इस तरह से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है विश्व में जितने भी बड़े पर्वत वर्तमान में पाए जाते हैं सब मोड़दार पर्वत हैं दूसरा पर्वत खंड पर्वत है जिसे भ्रमसोत पर्वत भी कहते हैं इस पर्वत का निर्माण चट्टानों पर मान लीजिए कि भूपटल की चट्टाने हैं तो इस पर दबाव नहीं बल्कि दोनों ओर से तनाव शक्ति काम कर रहा है टेंशनल फोर्स काम कर रहा है और तनाव के कारण बीच से चट्टानें टूट जाती है और ये टूटने हुए भाग को भ्रंश कहते हैं रिफ्ट कहते हैं और इससे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है भ्रंश घाटी का निर्माण होता है अगर चट्टान पर दो स्थानों पर तनाव शक्ति कार्य कर रहा है और दो जगह से चट्टाने टूट कर खस खिसक गई तब दोनों ओर की चट्टानें या तो दब जाती है और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है या दोनों ओर की चट्टाने अस्थिर रहती है और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो यह उठा हुआ भाग ही ब्लॉक माउंटेन यानी एक खंड पूरा का पूरा एक खंड ऊपर उठ गया है इसलिए इसे खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं इस तरह से यहाँ दो कगार बन गया भ्रंश बन गया और बीच का उठा हुआ भाग पर्वत बन गया यूरोप का बज पर्वत इसी तरह से बना हुआ है भारत में भी अभी हम लोग विश्व के मानचित्र में देखेंगे भारत में भी सतपुरा पर्वत इसी तरह से बना हुआ है वह ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और साल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है और सतपुरा पर्वत के उत्तरी ढाल पर भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है जबकि दक्षिणी भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी या तापी नदी प्रवाहित होती है और ये शतपुरा पर्वत है तो इस तरह से ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है तीसरा प्रमुख पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होने से होता है अभी हम लोग देख रहे थे कि पृथ्वी के अंदर ये जो बीच वाला भाग है ये तरल है यानी चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है और मैग्मा के रूप में है और जब धरातल के ऊपर आंतरिक ऊर्जा शक्ति के कारण जो आंतरिक बल कार्य करता है उसके कारण छिद्र से यह मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलकर ठंडा होता है ये मैग्मा चैम्बर है पिघला हुआ भाग चट्टान का और इस मैग्मा चैम्बर से छिद्र द्वारा बाहर निकल रहा है मैग्मा और धरातल पर आकर ठंडा हो रहा है तो इस तरह से निर्मित पर्वतीय भाग को ज्वालामुखी पर्वत भोल्कैनिक माउंटेन कहते हैं यह शंकवाकार होता है शंकु के आकार का होता है कॉनिकल सेप, सेप का होता है ज्वालामुखी के इस मुख को क्रेटर कहा जाता है विश्व में अनेक ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण पाए जाते हैं जैसे अफ्रीका में किली मंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है उसी तरह से रॉक रॉकी पर्वत एंडिज पर्वत जो मुरदार पर्वत का उदाहरण है उसमें भी ज्वालामुखी के प्रमाण पाए जाते हैं एंडिज पर्वत में एकांकेगुआ ज्वालामुखी का उदाहरण है उसी तरह से फ्यूजियामा पर्वत जापान में ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है तो ये ज्वालामुखी पर्वत मैग्मा के बाहर निकलकर ठंडा होने से बनता है और इसका आकार शंकवाकार होता है चौथा पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत है अवशिष्ट पर्वत का निर्माण अलग से नहीं होता है अन्य पर्वतों की तरह बल्कि पहले के जो तीन पर्वत हैं मोरदार पर्वत भ्रमशोत पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत तो इन पर्वतों पर लंबे समय तक अपर्दन की क्रिया होती है काट छाँट की क्रिया होती है विशेष रूप से मोरदार पर्वतों पर तो वह कट छाट कर अपने मौलिक रूप को खो देता है यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है और इस कम ऊंचे पुराने पर्वत को ही अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं जैसे अरावली पर्वत भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से स्थित है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कभी यह हिमालय की तरह ऊंचा बलित तो मोड़दार पर्वत था उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में ड्रेकनबर्ग पर्वत ड्रेकनबर्ग अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली भारत में राजस्थान में अफ्रीका में ड्रेकनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है ये भी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो ये पुराने पर्वत हैं कभी इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी बाद में अपर्दन की क्रिया के कारण कट छट कर अवशिष्ट रूप में रह गया है तो इस तरह से पर्वत चार प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों आइए अब विश्व के मानचित्र पर इन पर्वतों को देखते हैं सबसे पहले मोड़दार पर्वत को देखते हैं यह भारत है हमारा देश है और भारत के उत्तरी भाग में ये जो गहरा लाल रंग को देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है इसका भी निर्माण संकुचन शक्ति दबाव शक्ति के कारण हुआ है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से आठ हज़ार आठ सौ मीटर है भारत में हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है कंचनजंगा की ऊंचाई आठ हजार सौ मीटर है भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के उत्तर में स्थित काराकोरम श्रेणी में है काराकोरम श्रेणी भी मोड़दार पर्वत है काराकोरम में माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है तो हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में है अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी तट पर एंडिज पर्वत फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी तट पर और यह एंडिज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जैसे हिमालय सबसे ऊंची है उसी तरह से एंडी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है उत्तरी अमेरिका में ये जो लाल गहरा देख रहे हैं यह भी मोरदार पर्वत की श्रृंखला है और यह रॉकी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है हालांकि इसके कई भाग हैं उत्तरी अमेरिका के बाद अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी भाग में यह भाग जो देख रहे हैं मोड़दार पर्वत एटलस स्थित है यूरोप के दक्षिणी भाग में यह लाल गहरा भाग मोड़दार पर्वत श्रृंखला का आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है यानी आल्प्स पर्वत मोड़दार पर्वत है तो इस तरह से विश्व के बड़े पर्वत सभी मोड़दार पर्वत हैं बलित पर्वत हैं एशिया में हिमालय यूरोप में आल्प्स अफ्रीका में एटलस दक्षिण अमेरिका में एंडेज तथा तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत में इस क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे का क्षेत्र है जिसे अग्नि मेखला भी कहते हैं ज्वालामुखी का क्षेत्र है रिंग फायर कहते हैं तो इस क्षेत्र में जापान में फ्यूजियामा अफ्रीका महाद्वीप में किली पर्वत पूर्वी भाग में इथोपिया में माउंट केनिया केनिया में और जागृत ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी पर्वत कैमरून में पश्चिमी भाग पर स्थित है एंडिज पर्वत में एकांक गुआ स्थित है ज्वालामुखी पर्वत तो इस तरह से कई ज्वालामुखी पर्वत विश्व में पाए जाते हैं उसी तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भ्रंशोत ब्लॉक माउंटेन तो ब्लॉक माउंटेन बसजेज पर्वत जहाँ राइन नदी घाटी स्थित है इस क्षेत्र में है जहाँ जर्मनी स्थित है उसी तरह से भारत के पश्चिमी भाग में सतपुरा पर्वत श्रेणी है जो ब्लॉक माउंटेन है और इसी सतपुरा माउंटेन श्रे सतपुरा माउंटेन के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी रिफ्ट वैली से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है हमारे राज्य में भी दामोदर नदी इसी तरह की भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है अरावली पर्वत भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित है जो अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है ड्रेकनगर बर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है और यह भी अवशिष्ट पर्वत है इन पर्वतों के अतिरिक्त यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रूस में यहाँ यूरान पर्वत और उत्तरी अमेरिका में यूएसए में अपलेशियन पर्वत विश्व के प्रमुख पर्वत हैं तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में विश्व के प्रमुख हस्लाकृति कौन कौन हैं और उसमें से पर्वत के बारे में जानकारी ग्रहण किए आपके परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है पर्वत किसे कहते हैं पर्वत और पठार में क्या अंतर है पठार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पर्वत और पठार में क्या अंतर है पर्वत से क्या लाभ होते हैं तो पर्वत में खनिज पदार्थ तो पाए जाते हैं साथ में वनस्पति और जल का संग्रह होता है जल के कारण पन योजना यानी जल से विद्युत उत्पादन करते हैं और वनस्पतियों से कई प्रकार की हमें जड़ी बूटियाँ और औषधीय पदार्थ भी प्राप्त होता है वह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र होता है पर्य पर्वतीय क्षेत्र तो इस तरह से पर्वतों से कई लाभ होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है साथ में विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है सबसे ऊंची चोटी कौन है लंबा पर्वत कौन है और क्या केवल स्थल भाग पर ही पर्वत पाए जाते हैं तो नहीं पहले हम लोग देखें कि ये जो नीला वाला भाग समुद्र है तो समुद्र भी का सतह भी समतल नहीं है बल्कि इसमें भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जिसमें पर्वत भी हैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत कटक ये जो अटलांटिक महासागर है इसमें फैला हुआ है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं लेकिन यह समुद्र के अंदर है पानी के अंदर है इसलिए सतह पर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडिज पर्वत को कहा जाता है तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व की प्रमुख स्थलाकृति पर्वत के बारे में जानकारी ग्रहण की है बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इस प्रसारण से संबंधित सुझाव अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें जे सी तथा टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य पाँच सात दो आठ पाँच आठ पाँच आरोप सम्पर्क कर सकते हैं